हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आई एम गजाला एंड टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन द लिटिल फर ट्री। स्टूडेंट्स, यू विल स्टार्ट योर वर्क लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल विद योर ब्लैक पेन यू विल राइट द लिटिल फर ट्री एंड वन साइड यू विल राइट वर्ड एंड सेकेंड साइड यू विल राइट मीनिंग। एंड फॉर वर्ड्स यू विल यूज़ योर ब्लैक पेन एंड फॉर देयर मीनिंग्स यू विल यूज़ योर ब्लू पेन। As you can see, I did also it. First word is return. Return मतलब होता है वापसी। Come back to a place. किसी place में वापस आना। Like जैसे आप लोग morning में school आते हैं और after school you go back your home. तो return करते हैं। Return मतलब वापसी। Come back to a place. किसी place में यानी किसी जगह वापस आना। Reward. Reward means होता है इनाम। इसे बोलेंगे prize. प्रिटी प्रिटी मीन्स होता है सुंदर। प्लीजिंग टू द आइज़, वो चीज़ जो हमारी आँखों को खुशी देती हैं, सुंदर लगती हैं। गोल्ड गोल्ड यानी सोना। अ येलो प्रीसियस मेटल, येलो कलर का प्रीसियस यानी कीमती, मेटल यानी धातु, येलो कलर की प्रीसियस कीमती धातु, इट इज़ कॉल्ड गोल्ड। नीडल्स नीडल्स मीन्स होता है सुई। अ स्मॉल थिन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर स्विंग। अ स्मॉल छोटी सी, थिन पतली, बहुत पतली ऑब्जेक्ट वस्तु यूज्ड फॉर स्विंग। स्विंग मतलब होता है सिलना, सिलने के लिए जो हम यूज़ करते हैं सुई को उसे बोलते हैं नीडल्स। स्टॉल स्टॉल इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टील। स्टील मीन्स होता है चुराना और स्टॉल मतलब चुराया। लीव्स लीव्स द प्लूलर फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ मीन्स होता है पत्ती और जब इसे हम प्लूलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है लीव्स यानी पत्तियाँ। So these are your word meaning. After completing your word meaning, come forward to your question answer of this chapter. First of all, with your black pen, write, answer these questions. Then write down the first question. And your first question is, who was Shetty? Shetty कौन है? Who was Shetty? Shetty कौन था? तो answer is, शेट्टी वॉज अ मैजिशियन। जो शेट्टी था वो एक मैजिशियन था यानी जादूगर था। मैजिशियन मतलब जादूगर। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आ रहा था तो उसके साथ क्या हुआ। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम रेन बिगेन टू फॉल सडनली। When he was returning home, जब वो शेट्टी वापस आ रहा था, घर वापस आ रहा था, rain began to fall, जो बारिश थी वो began मतलब start हो गई, शुरू हो गई, to fall गिरना, suddenly अचानक से बारिश होना शुरू हो गई। Third question is, why was he happy with the fir tree? Why was he happy with the fir tree? जो शेट्टी था वो fir tree से खुश क्यों था। He was happy with the fir tree because it gave shelter to him and protected him from rain. जो सेठी था वो fir tree से इसलिए खुश था। He was happy, वो खुश था with the fir tree से, because क्योंकि it gave shelter to him, क्योंकि उसने उसे क्या दिया था, shelter दिया था, shelter दिया था यानी शरण दी थी, to him उसे, to protected एंड प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम रेन, और उसे बारिश से बचाया था यानी शेट्टी को बारिश से बचाया था। ही वॉज़ हैप्पी विद द फर ट्री, वो फर ट्री से खुश था बिकॉज क्योंकि इट गेव शेल्टर, उसने उसे शेल्टर दिया था, एंड प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम रेन, और उसे बारिश से बचाया था। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री। फर ट्री की फर्स्ट विश क्या थी। द फर्स्ट विश of the tree was that it wanted green leaves on it. The first wish, जो first wish थी of the tree, tree की was that, वो यह थी, it wanted, वो चाहता था green leaves on it, वो खुद पर green leaves चाहता था, उसकी needle like leaves थी, नुकीली पत्तियाँ थी, और इसके बदले वो green leaves चाहता था अपने other friends की तरह। Now see fifth question, Why the fir tree wanted gold leaves? जो fir tree था वो gold यानी सुनहरी पत्तियाँ क्यों चाहता था। The tree wanted gold leaves
so that goats can't eat them. The tree wanted gold leaves. जो tree था वो gold leaves चाहता था. Want मतलब होता है चाहना. Wanted second form हो गई, चाहता था. Gold leaves, सुनहरी पत्तियाँ. So that, ताकि goats can't eat them. ताकि जो बकरियाँ हैं, जो goats हैं, वो उन्हें ना खा सके. Gold की leaves जो हैं वो बकरियाँ ना खा सकें. Sixth and last question. Why did the fir tree become happy in the end? Why did the fir tree, जो fir, became happy in the end? अंत में जो fir tree था वो खुश क्यों हो गया था? The fir tree became happy in the end because it got its needle-like leaves back. जो fir tree था वो happy हो गया था in the end, आखिर में. Because, क्योंकि it got its needles like leaves back. क्योंकि उसे जो needle like leaves थी वो उसे वापस मिल गई थी. Students, सबसे पहले जो tree था उसने green leaves मांगी थी जिसे goats खा गई थी. Gold leaves, एक man आया और उसने सारी की सारी gold leaves को चुरा लिया. Glass leaves तेज़ हवा में टूट गई थी. तो लास्ट में उसने अपनी निडल लाइक लीव्स को ही पसंद किया और उसे वो वापस मिल गई थी उसकी आखिरी विश में, इसलिए वो हैप्पी था. दीज आर योर वर्ड मीनिंग एंड दीज आर योर क्वेश्चन आंसर.